एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। और हमें जाना है इस वाले मंदिर पे, वापस भी आना है क्योंकि ये रास्ता जो है वो खतरे से खाली नहीं है। ये जर्मन शेपर्ड मुझे ऐसे क्यों देख रहा, यहाँ पर एक बेस्ट सनसेट का हम यहाँ पर पॉइंट बता सकते हैं। अ रोड टू हेवन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज फिर संडे के दिन हम निकल पड़े हैं एक और बढ़िया सी लोकेशन पे आप सबको दिखाने के लिए कि अक्सर इवनिंग टाइम पे हमारे देहरादून के लोग कहाँ जाना सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं और क्या इतनी पास जगह है जो लोगों को इतनी भाती है। मतलब इवनिंग टाइम पे जो सनसेट होता है उस टाइम पर क्या चीज़ है जो लोगों को खींचती है। मतलब होता है ना कि हर किसी को जाना अच्छा लगता है उस टाइम पे, शाम के टाइम पे, कि यार कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ। और ऊपर से वीकेंड जैसा संडे का दिन है आज, और आज ही के दिन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कि भाई कि मेरे को ना एक अच्छी सी जगह जाना है, एक अच्छी सी जगह चलता है। तो ऐसे सेम हम भी सोचते थे, लेकिन हम जो है इस ऐसी जगह पे करीब करीब 7-8 सालों से आ रहे हैं। मतलब हमारे पास 10 साल हो गए लगभग। मतलब स्कूल टाइम जो हमारा था, वो हमारा जो है जब भी हमें मूड होता था थोड़ा बहुत घूमने का, पहाड़ों में जाने का, तो ये ही एक बेहतरीन जगह थी जहाँ पर हम आना पसंद करते थे। और ये देखो, और ये दोबारा यहाँ पर सजल चप्पल, चप्पल होने के बावजूद भी ये पानी में आने से डर रहा है। तो इसका मतलब साफ ये है कि इसको जूते चप्पल नहीं रोकते पानी में आने से, इसको पसंद ही नहीं है पानी में आना, है ना। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे ऊपर से अगर पानी आ रहा है ना, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर और अच्छा और साफ सा लग रहा है ना। तो मैं भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके का सफाई लग रही है यहाँ पर, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर, ये देखो। तो अब हम इसके बाद चलते हैं थोड़ा ऊपर और आप लोगों को दिखाते हैं कि और ऊपर क्या क्या चीज़ है और क्या ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर लोग बहुत सारे आते हैं, और कितने लोग यहाँ पर आज आ रखे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। भीड़ है भाई लोगों, संडे को किमाड़ी, मतलब बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग। तो यहाँ पर सबसे पहला व्यू आता है और जहाँ पर लोग नॉर्मली भी रुकना पसंद करते हैं। और भीड़ आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से भीड़ हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर नॉर्मली सबसे पहला पॉइंट आता है जहाँ पर लोग रुकना पसंद करते हैं। और भीड़ देखो, मतलब भीड़ भी अच्छी खासी है। तो अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का हम आपको एक बार दीदार करा देते हैं कि जो हमने एकदम से प्लान चेंज करा अपना, तो वो क्यों करा और कहाँ के लिए करा। और वहाँ जाकर भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसा वहाँ का व्यू आता है, क्योंकि बहुत साल पहले गए हुए थे हम, लेकिन अब जो है पूरा डिफरेंट हो चुका है। गांव वालों ने हमें बताया था कि लोगों ने, कि गांव वालों ने वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है और अच्छी चीज़ें वहाँ पर हो चुकी हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाऊँ, तो वो यहाँ से ये जो रोड जा रही है और हमें जाना है इस वाले मंदिर पर। तो यहाँ पर बताते हैं कि ये नाग देवता का मंदिर है और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं। तो ये आप यहाँ से अज्यूम कर ही सकते हैं, हाँ ये वाला जो है वाला। हाँ, तो अब हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके आपको बताते हैं कि क्या वहाँ का व्यू है और क्या वहाँ कैसा लगता है वहाँ पर शाम को जाने के बाद, ठीक है। एक अच्छी खासी रोड से हमने स्टार्ट करी है यहाँ पर, एक नॉर्मल ऑफ रोडिंग। मतलब यहाँ पर तो आपको फिर भी ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन वहाँ से हम जब आ रहे थे वो सामने वाली रोड से, वहाँ से तो वो जो है हमारा थोड़ा ऊबड़ खाबड़ कहीं पर टूट रखा, तो ये जो है उस मेन वाला किमाड़ी रास्ते से थोड़ा लेफ्ट आके है। तो यहाँ पर आने का रीज़न हमारा ये है कि एक तो ये बढ़िया सा व्यू, और दूसरा जो है इन पहाड़ों के पीछे कहीं एक जो है नाग देवता का मंदिर है। हाँ, जो हमने अभी दिखाया था आपको वो नाग देवता का मंदिर है, तो वहाँ पर हमने जाने की सोची है इस बार, क्योंकि वहाँ से जो व्यू आएगा या जो भी चीज़ें हैं वहाँ की वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा अलग है। किमाड़ी तो सब दिखाते हैं। हाँ, किमाड़ी तो वैसे नॉर्मल हम भी दिखाएंगे ही, और यहाँ से जो व्यू आता है या जो भी चीज़ें यहाँ की रहती हैं, ऊपर मंदिर में क्या है, अगल बगल क्या है, किस जगह पे बना हुआ है और कितना दूर है, वो सब हम आपको बताएंगे। बाकी जो है हम अपडेट आपको ऊपर जाके दिखाते हैं, है ना। तो अंधेरा भी होने वाला है, तो उससे पहले हमें ऊपर पहुँचना है और वापस भी आना है, क्योंकि ये रास्ता जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तो चलिए फिर हम आपको ऊपर मिलते हैं। तो ये रही दोस्तों मंदिर की एंट्री जो नीचे से होती है, और यहाँ से जो है अब हमें गाड़ी लगा के जाना है। तो सजल यहाँ पर गाड़ी लगा रहा है,
यहाँ पर क्या लिख रहा है, मंदिर खुलने का समय 5 बजे से शाम 6 बजे तक, मंदिर परिसर में मांस मदिरा सेवन करना वर्जित है, पकड़े जाने पर 11,000 का जुर्माना है, निवेदक नाग मंदिर समिति। 10-5 मिनट का वाहन है तो मार्ग संकरा। तो ये जो है करीब करीब 1-2 किलोमीटर का ट्रैक है। अरे उनके लिए और रेगुलर होंगे यहाँ के, तो 5-10 मिनट भी बहुत होता है यार चढ़ाई पे, मतलब स्टार्ट तो होने वाली है। ये जर्मन शेपर्ड मुझे ऐसे क्यों देख रहा, चला गया। ये वाली रोड ना नॉर्मल वो हो रही, पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई, लेकिन चढ़ाई ये वैसे थोड़ी ऐसी है ना, खड़ी चढ़ाई। और ये चीज़ अच्छी कर दी कि वैसे यहाँ पर ना अगर अलाउड होता तो लोग स्कूटी बाइक भी ले आते, पर ये है कि नीचे ही खड़ी करनी पड़ रही है। हमारी सेहत का राज क्या है, ट्रैवलिंग कैसी कैसी जगह पे जा रहे हैं। ये वाला रोड देखो, ये तो है प्रॉपर पूरी खड़ी वाली चढ़ाई, अ रोड टू हेवन। भाई अभी बज रहे हैं 5:24, मतलब 5:30 बजे लगा लो, और अभी भी हम चले जा रहे हैं ऊपर। वहाँ पर देखो बादल भी कैसे आ रहे हैं अब, यही तो खूबसूरती है ऊपर पहाड़ों की, बादल भी आते हैं, पानी भी आता है, बड़े बड़े रोड भी आती हैं। ये देखो इतनी तेज क्यों भाग रहा है, इसको जल्दी पहुंचना है। मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये देखो यार, ऐसा लग रहा है सजल बुग्याल में आ गया। ये मंदिर है, और मंदिर का शाम का व्यू देखो क्या आ रहा है, कितना बेहतरीन सा व्यू आ रहा है, और इसके पीछे ही सनसेट हो रहा है ना। हाँ। तो देख कैसे वो ऑरेंज टाइप लग रहा है पीछे, हर शॉट यहाँ पे वॉलपेपर जैसा लग रहा है। हाँ, हर शॉट वॉलपेपर जैसा लग रहा है, सनसेट है ना, जैसे कि यहाँ तो अभी बनाने रखा ना कुछ, और जैसे कि जॉर्ज एवरेस्ट है। हाँ। ठीक है, और देखिए जो यहाँ का सनसेट है ना, वहीं पे अगर जैसे तमीज से दुकानें बना दे गोलाई में ना। हाँ। वो मैगी पॉइंट वगैरह, शाम को इतना बढ़िया वो हो जाएगा ना। पर यहाँ पर यार क्या कहते हैं, जैसे ये सब गाँव वालों ने भी सोचा होगा कि यहाँ पर बना सकते हैं हम अपना रोजगार करें, क्योंकि ऐसी जगह में क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो इसमें इंडलमेंट रहती है वो गांव वालों की बहुत रहती है, मतलब कि कब मंदिर खुलेगा, कब बंद होगा, और यहाँ पर ये जो भी ये पूरा एरिया है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर मंदिर वाली बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर सजल का ये करते वक्त भी तो क्या व्यू, क्या ही वो आ रहा व्यू। पर जो है ऊपर फॉग होना शुरू हो गया है, ये देखो कैसा बेहतरीन ही लग रहा है यहाँ पर सब चीज़ें। सनसेट तो मतलब देहरादून में अगर कहीं बेस्ट सनसेट होता है तो भाई वो यहीं। हाँ, अगर यहाँ अगर एक चीज़ बताए कि सिर्फ एक चीज़ बताओ। हाँ। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक बेस्ट सनसेट का हम यहाँ पर पॉइंट बता सकते हैं। एक बार हमारे पीछे नाग देवता का मंदिर है, लेकिन अभी जो है टाइमिंग हो चुकी है, तो इस वजह से ये बंद हो चुका है अब। सारे पैसे किस चीज़ के हैं, वो इस चीज़ के हैं सारे पैसे, ये देखो इस चीज़ के। अभी कैसा छोटा सा दिख रहा, आप सेट होने वाला ना, देखो कितना छोटा हो गया। क्या कहते हैं, और मंदिर के क्लोजिंग टाइम 6 बजे है, तो अब हमें यहाँ से जाना भी पड़ेगा। हाँ, मंदिर का क्लोजिंग टाइम भी होने वाला है, तो अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, सन हो चुका है सेट, और हमारा मूड भी हो चुका है सेट, हमारा मूड भी हो चुका है, मतलब बहुत ही बेहतरीन जगह है। एक और बार आप देख लीजिए कैसे सी जगह आ रखे हैं हम, और सन आपको दिख रहा होगा कि सामने कैसे सेट है। और हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, और नीचे हम आपको बताएंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं, और क्योंकि मंदिर का टाइम भी क्लोज होने वाला है ना, तो इसके बाद हमने सोचा है डेड एंड आ गया। लेकिन यार हम यहाँ से थोड़ी आए थे, तभी तो वो वहाँ से जा रहे थे, हम वहाँ से आए थे, लेकिन हम जाएंगे यहीं से, हम भी तो शेर पुत्र हैं, कोशिश करेंगे यहीं से जाने की। और वो भी जा रहे हैं, मतलब सभी जा रहे हैं, अब तो टाइम भी हो गया, तो अंधेरे में यहाँ रुकेगा कौन। यहाँ पर ये गाँव है, जिन लोगों ने ये मंदिर समिति को मेंटेन कर रखा है, मंदिर की सुंदरता को मेंटेन कर रखा है, और आसपास में जो भी चीज़ें होती हैं उसको मेंटेन कर रखा है। देखो कैसे अब हम नीचाई उतर रहे हैं, अब हम सीधा आपको अपने अगले स्टॉप पे मिलेंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ से जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता वो है अपना देहरादून से जो ऊपर आता है नॉर्मली, और ये जो रास्ता है जा रहा है ये ऊपर नॉर्मली ऊपर मैगी पॉइंट की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर है ये जहाँ पर हम अभी गए थे, तो प्राचीन नाग देवता मंदिर। वैसे इस गांव को किमाड़ी गांव बोला करते हैं, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे। तो अब हम जा रहे हैं इस बेहतरीन से व्यू से दूर, अगर मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो कि, तो यहाँ पर जो है एक बार घुमा के दिखा दीजिए कैसे सारी भीड़ सी है यहाँ पर। तो
जो हमने क्रैक कर दिया। आज हमने क्या क्रैक किया सजन? आज हमने क्रैक किया एक बेहतरीन सनसेट पॉइंट हमारा देहरादून का, मतलब एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा आज का हमारा। बाकी अब यहाँ पर हो चुकी है रात और ठंड भी बढ़ने वाली है, तो यहाँ से जो है अब सब घर की ओर ही निकल रहे हैं, तो हम भी अब निकलते हैं नीचे अपने देहरादून की ओर। और आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड। इस प्यारे से लोकेशन पे हम थोड़ी देर और रहेंगे और हल्का फुल्का कुछ चाय वगैरह पियेंगे, तो आप इस अंधेरे में हम आपको दिखा नहीं पाएंगे वो चीज़, तो हम आपसे लेते हैं विदा। और इतनी प्यारी लोकेशन को देखने के लिए और हमारा व्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग ऐसे ही बने रहे, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अब हम आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए चलो फिर सही है।